नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है। वार्ड नंबर 40 सीमा द्वार क्षेत्र की पार्षद मीरा कटेत ने अपने क्षेत्र में चल रही श्रमिक कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को लेकर बताया कि उनके क्षेत्र में अभी तक 400 श्रमिक कार्ड बनवाए जा चुके हैं। पार्षद मीरा कटेत ने बीजेपी विधायक व मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांधते हुए बताया कि नगर निगम व विधायकों के सहयोग से कोरोना काल व लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र में फॉगिंग व सैनिटाइजेशन का कार्य बखूबी ढंग से निभाया गया। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में अभी तक डेंगू का एक भी मरीज सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ दिन पहले यहां पर कोरोना के करीब 7 मरीज पाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो उनके क्षेत्र में निर्माण कार्यों में कोई कमी नहीं है, अगर फिर भी कमी रह गई तो उन निर्माण कार्यों को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। मैम, आपने कैंट विधानसभा में कुछ गलियां यदि अधूरी देखी हैं तो हो सकता है वो किसी कारण बस हो, या पास हो रखी हों, या बनने वाली हों, या डामर वाली हों तो सर्दी की वजह से नहीं बन रही हों, नहीं तो सड़कें सारी बन चुकी हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां गड्ढे हों, टूटी फूटी हों, सारी बन चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। क्षेत्र में श्रमिक कार्डों के मैंने 400 कार्ड श्रमिक बना लिए हैं, अभी मेरे कुछ और बनने के लिए जा रखे हैं। और बाकी ये वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, इन सब पे मेरे तरफ से बहुत अच्छा काम हो रखा। कई तलाकशुदा महिलाएं भी हैं मेरे क्षेत्र में, तो उनका उनके लिए भी पेंशन के लिए बिल्कुल संपर्क चल रहा है और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। हाँ, विधायकों की ओर से वैसे देखो 1-1 करोड़ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों की ओर से करे हैं, और विधायक भी हमारे अच्छे हैं। जो विधायक हमारे इतने जागरूक हैं कि वो अन्य काम भी पहले से हो रहे थे, अब जब विधायक निधि में कैंट विधानसभा बहुत बड़ी है तो इतने 1 करोड़ का काम होता भी कितना है, वैसे बहुत काम हो भी रहे हैं और नगर निगम से भी हो रहे हैं और विधायकों की तरफ से। कहीं ना कहीं देखा गया निर्माण की ओर से जो आदेश दिए गए थे और उन आदेशों का हमने पालन किया और नगर निगम ने भी बहुत साथ दिया हम लोगों का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेयर साहब का और सीएम साहब का, जिन्होंने इतना सहयोग किया, चाहे वो फॉगिंग के लिए हो, चाहे सैनिटाइजर के लिए हो, कोई क्षेत्र में कहीं भी, चाहे कोई भी पार्षद है, कोई भेदभाव नहीं हुआ, सब जगह प्रॉपर दवाइयाँ जाती रही और सैनिटाइजर और फॉगिंग जिन्होंने जो पार्षद समर्थक थे उन्होंने 2-2 बार भी कराए, सुबह भी शाम भी। इतना अच्छा, इतनी अच्छी व्यवस्था नगर निगम से हुई कि ऐसे हम कहें सरकार इसी तरीके से आती रहे, और इसी तरीके से अगर कोई महामारी भगवान की दया से पहले आनी नहीं चाहिए, अगर आ भी गई आपदा तो इस तरीके से उन्होंने साथ दिया जनता का भी, हम लोगों का भी, कि जो हमें इतना नहीं होना पड़ा कि जो हम बिल्कुल हाथ पैर छोड़ देते। बड़े अच्छे ढंग से हमने फॉगिंग का और सैनिटाइजर का काम किया है। मैम, पहले से ही हम जागरूक हैं और हमारे इधर पहले तो पूरे देहरादून प्रदेश में कोरोना के केस भी आए लेकिन उतना नहीं आए जैसे अन्य राज्यों में हुआ। और हमारे तो बहुत बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में ही हो रहे हैं, तो इस अब फिर कम होने शुरू हो गए हैं, अब फिर कम होने शुरू हो गए हैं। और जहाँ तक इंदिरा नगर का सवाल है, यहाँ तो कोरोना डेंगू का तो कोई भी पेशेंट यहाँ नहीं मिला है। कोरोना का ऐसा है अगर कोई तो इतना तो होता है, इतना बड़ा वार्ड है तो थोड़ा बहुत तो होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वार्ड में तो 6-7 लोग थे जिनको जो पॉजिटिव आए हैं, बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि जो क्षेत्र में इतनी बड़ी महामारी होने के कारण भी, जैसे बस्ती का इलाका भी था तो वहाँ भी बिल्कुल सुरक्षित रहा, और अभी भी भगवान की दया से मेरे क्षेत्र में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जहाँ मुझे 2-4 होना पड़े, ये कुछ नहीं है इस तरीके से।